दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट इनिंग की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें धर्मशाला में आमने सामने है। तो सारकर पहले बैटिंग करने उतरी थी डिफेंस चैंपियन टीम इंग्लैंड और 50 ओवर में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए ओपनर डेविड मलान ने 107 गेंदों पर 140 रन बनाए। उन्होंने अपनी इनिंग में 16 चौके और 5 छक्के जड़े। वही जॉनी बेयरस्टॉन ने 59 गेंदों पर 52 रनों का योगदान दिया है। डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टॉन के बीच पहले विकेट के लिए 17.5 ओवर में 115 रनों का पार्टनरशिप हुई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जॉन रूट 68 गेंदों में 82 रन बना डाला। इस खिलाड़ी ने अपनी इनिंग में 8 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि इंग्लैंड की कप्तान जोस बटलर और हैरी ब्रुक जल्दी आउट हो गए। वही लियम लिविंगस्टोन, सैम करन और क्रिस वॉक्स सस्ते में पवेलियन लौट गए। दरअसल इंग्लैंड का दूसरा विकेट 266 रनों पर आउट हुआ, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। चलो दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि बांग्लादेशी बॉलर्स की कैसी सुझाई है इस इंग्लैंड वालों ने। बांग्लादेशी बॉलर की बात करें तो मेहंदी हसन सबसे कामयाब बॉलर रहे। मेहंदी हसन ने 8 ओवर में 71 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। शरीफुल इस्लाम ने 10 ओवर में 75 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। इसके अलावा तस्कीन अहमद और साकिब अल हसन को एक एक कामयाबी मिली है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को पहली जीत का इंतजार है। इंग्लैंड ने अपनी पहली मैच हारी थी, लेकिन वो अब क्या जीत पाएंगे दोस्तों बांग्लादेश के सामने, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहरहाल साकिब अल हसन की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टीम के सामने जीत के लिए 365 रनों का टारगेट है। बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हराया था। वही इंग्लैंड को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह जोस बटलर की टीम के लिए बेहद अहमद मैच। फिलहाल न्यूजीलैंड के 2 मैचों में 4-4 पॉइंट के साथ टॉप पर काबिल में है। दोस्तों अगर आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप 2023 कौन बाजी मारेगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।